वालेकुम अस्सलाम। मातम इधर हालात देखे हैं। मैं कहना चाहिए मेरा बाबा सिकंदर से आए से पहले ना फोन पे कभी रहता है ना वैसे कभी कोई रहता था। गेम जो थी वो खराबी की तरफ जा रही थी। कोशिश करेंगे गेम को गेम तक ही रखें। बिल्कुल सही। गेम जैसे गेम होती है वैसे शौक करेंगे। हर एक का शौक करवाएंगे। जिसका भी शौक बाबा सिकंदर से होगा उसका भरपूर शौक करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात, आज गुज्जर साहब ने हमारा बहुत मान रखा है। हम उनके घर गए, उन्होंने आज साहब ने बाबा सिकंदर का बाजू हमारे हाथ में दिया। उनसे कहा जी आपके सपोर्ट से हमारी भी और हम आपको भी दे रहे हैं। मैं उस पूरी पार्टी का इखलास खान पार्टी का मशहूर हूँ जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और आइंदा भी साथ देंगे इंशाल्लाह। ने वादा किया है आइंदा भी मेरा साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। और हम मुस्बत खिलाड़ी हैं, मुस्बत सोच है हमारी, मुस्बत खेलेंगे। ना किसी को प्रेशराइज करेंगे ना किसी का प्रेशर अपने ऊपर डलवाएंगे। इसी के साथ मैं सब दोस्तों का मशहूर हूँ और हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये बड़ा अच्छा इकदाम किया चेयरमैन साहब ने। लाहौर की गेम जिस खराबी की तरफ जा रही थी इंशाल्लाह वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी और आगे अच्छा शौक होएगा। हम वेलकम करते हैं कि वो हमारी मुखालिफ टीम का हिस्सा बने हैं और हम इनके साथ शो करने का मजा आएगा इंशाल्लाह बहुत आसान उस्ताद जी हमजद साहब कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। वालेकुम सलाम। ये बड़ा अच्छा इकदाम है जी कबूतर परवरी में और कबूतरबाजी में कि ये इकदाम हुआ है दोस्ताना माहौल में। बिल्कुल इम्तियाज है चेयरमैन साहब को हमेशा ये क्रेडिट जाता रहा है कि उन्होंने हमेशा दोस्ताना माहौल दोस्तों को इकट्ठा किया है। ये सबसे इनका मेरा ख्याल है इस बात में इनके क्लेपी होनी चाहिए सब दोस्त। इन्होंने कोई भी मसला लाहौर में कबूतर परवरी में खराब होने हुआ है ना तो अगर होने की कोशिश लोगों ने की है उसको इन्होंने समेटा है और हमेशा अच्छा करदार अदा किया है। और मेरे लिहाज से ये बड़ा जो हमारे शौकीन हजरात है उनके लिए बड़ा अच्छा मुस्कुरा कदम है कि इन्होंने ना जो बाबा सिकंदर साहब का साथ दिया है और प्लस खलाखा पार्टी ने भी इनका साथ दिया है और कबूतरबाजी को जो बेहतर बेहतरी की तरफ ले गए हैं बजाय कि वो नेगेटिव की तरफ जाती इन्होंने पॉजिटिव के लिए ले गए काम और ये सबसे बड़ा एहसन कदम इनके लिए जी। बिल्कुल जी यासिर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, जैसे कि आप दोस्तों ने सुना और आज ये बात साबित हो गई है कि उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी उस्ताद मियां नदीम बशीर ग्रुप यहाँ पर जब मुकम्मल तौर पे अपनी पूरी पावर के साथ यहाँ उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब की एक कॉल के बाद जमा हुआ है। तो ये बात भी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये पार्टी भी लाहौर के शौक की बका के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती है। इन लोगों के लिए जरा भरपूर तालियां। मैं बीच में कटअप होगी। मैं दूसरे दोस्त भी जो हमारे हैं दो दोस्त हैं जो बाबा सिकंदर साहब के साथ थे पहले वो भी हमारे भाई हैं और उनसे भी हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि वो भी कबूतर परवी के लिए बेहतर सोच रखेंगे और नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सोच रखेंगे और हमारा सारा जितने कबूतर परिवार हैं उनका साथ देंगे बेहतरी के लिए। और मेरे हाल उनको भी हम वेलकम कहते हैं और आए चेयरमैन साहब साहब मियां नदीम बशीर साहब के बैठ के बाबा सिकंदर साहब हैं और भी सीनियर साहब हैं यासर रहीम खोखर साहब हैं बाबू साहब ताहिर साहब हैं और मेरा ख्याल उनको भी इनके साथ तावन करना चाहिए और पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। और मेरा हमें भी और किसी को भी ये हक नहीं बनता वो किसी को डिग्रेड करे। बाबा सिकंदर साहब भी और उतने ही मोहतरम है जितने वो हमारे लिए मोहतरम है और मेरा ख्याल उनके लिए भी क्लैपिंग करनी चाहिए और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो भी हमारा साथ देंगे। और इसके साथ साथ आज का जो ये इवेंट है जिसमें रस्में उस्तादी हो रही है उस्ताद बाबा सिकंदर साहब की और उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन पार्टी की तरफ से और ये
दस्तार बंदी जो है ये चूंकि लाहौर के शौक के मुताबिक मुखालिफ दफ का होना जरूरी है और उसमें जनाब उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं अपनी मुकम्मल दफ के साथ, लेकिन रात के उस्ताद हाजी गुजर साहब के फैसले के बाद आज का ये इवेंट, हम पूरा इवेंट उस्ताद इखलाक खान, इखलाक अहमद खान पार्टी और उस्ताद हाजी गुजर साहब के नाम करते हैं, भरपूर तालियों के। यार ये जरा थोड़ा सा थोड़ा पीछे ना पर एक मिनट डालिए पीछे की छत भी यही है। बहुत बहुत मुबारक हो, भरपूर तालियां। एक मिनट वेट कीजिए, बाहर आओ यासिर भाई, बाहर आज बाहर इधर आओ यार, जी सामने देखिएगा, चलो बच्चा बन जाएगा जी जी। ओ हैदर भाई को आगे कर ले, हैदर भाई आगे आ जाए, आ जाए आ जाए, ओके सामने देखिए जी, सारे रेडी जी, हैदर नाम बड़ी बड़ी है मोदी जी भाई, थोड़ा आगे दो ओके जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ एक और जरूरी ऐलान, जनाब उस्ताद मजीद सुनियारा साहब जो कि अपनी पार्टी और अपनी शागिर्दी छोड़ के इस वक्त उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब के शागिर्द होने जा रहे हैं। मुबारकां जी, एक मिनट थोड़ा एक मिनट जरा ओके ला दे जी, बिस्मिल्लाह चले जी, भरपूर तालियां जी, बहुत बहुत मुबारक। चलो जी शाह जी, चलो जी बनाओ जरा ग्रुप फोटो दे दे, बहू जी यासिर भाई को, यासिर भाई को, बहू जी को सामने ओके। इस वक्त उस्ताद बाबा सिकंदर साहब चूंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बेपनाह शागिर्द कर चुके हैं, तो उसके लिए अभी भी हम जहां मौजूद हैं ये असलम मियो साहब की छत है और ये भी उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के ही शागिर्द हैं। उन्होंने अपने उस्ताद के लिए ये बकायदा तौर पे इवेंट रखा था, तो आज इसका ऐलान उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब करेंगे और हमें बताएंगे क्या उनके तमाम तर शागिर्द हैं, उनके बारे में क्या लाया अमल होगा। बाबा सिकंदर साहब के जितने शागिर्द उस्ताद हैं वो सारे हम बहाल मानते हैं, बहाल मानते हैं, ठीक हो गए, तालियां रहने जाने हो रही है, अजाना अजाना मजीद साहब के भी जितने पुराने जितने भी शागिर्द थे जितने उस्ताद हैं हम उनको भी उस्ताद मानते हैं, तो मियां नदीम पार्टी सीएमबी पार्टी का हिस्सा बन गया। उस्ताद बाबा सिकंदर और उस्ताद मजीद सुनारा साहब के जितने भी किए गए शागिर्द और उस्ताद हैं वो तमाम के तमाम बहाल हैं और वो अब उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन पार्टी का हिस्सा कहलाएंगे। असलम मियो साहब की छत पर मौजूद है, अजान हो रही है यार, डॉक्टर अनवर साहब यहाँ पे चुके हमारी मेजबानी के फराइज जो है वो डॉक्टर अनवर साहब जो है वो जो है अंजाम दे रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो कुछ कहना चाह रहे थे। असलम मियो साहब ने कहा था कि ये आखिर में जरूर
थोड़ा सा सबका शुक्रिया। डॉक्टर साहब इधर आ जाए, सामने आ जाए, ध्यान से। इमरान खान और बाबा सिकंदर की वास्तव थोड़ा पीछे कर लो, मिट्टी तोड़ती है, एक मिनट आ गया थले उतरे जरा थले पुत्र नमक मोकलना काम नम दवाना ये छत चुके असलम म्यू साहब जो के उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के शागिर्द हैं, उनकी छत है। और उस्ताद बाबा सिकंदर ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां भी शौक कर रहे हैं या इस ग्रुप से वाबस्ता है, तो ये उन लोगों के लिए जरूरी है कि उनको बता दिया जाए कि आज के बाद तमाम शागिर्द जो के उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के शागिर्द हैं वो सब उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन पार्टी उस्ताद बाबा सिकंदर ग्रुप कहलाएंगे, ये बात वो नोट फरमा ले। और उसके बाद दूसरी बात क्या करनी थी, बहुत बहुत। और आज के बाद उस्ताद बाऊ ताहिर शरीफ साहब की छत लाहौर में अगर कोई उस्ताद बाबा सिकंदर साहब से शौक करना चाहता है या शौक का ख्वाहिशमंद है तो वो उस्ताद बाबा सिकंदर साहब से राबता कर सकता है, क्योंकि आज से उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब ने उस्ताद बाऊ ताहिर शरीफ साहब की छत उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के नाम कर दी। जी डॉक्टर।